जय वासुकी नाग भगवान। ये हमारा प्यारा सा भारत, और इस भारत में एक बहुत ही प्यारी सी स्टेट पड़ती है, जम्मू और कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर का सबसे खूबसूरत जो टाउन है वह है भद्रवाह। ये एक तहसील है। इस तहसील में भगवान श्री वासुकी नाग जी का बसेरा है। वासुकी नाग जी जो है ये कैलाश कुंड है, इसमें वास करते हैं। तो इस कैलाश कुंड की जो यात्रा है, जिसको कहते हैं कैलाश यात्रा या कमलास यात्रा, ये हर साल मनाई जाती है। 3 दिन का यात्रा रहता है ये। तो इस यात्रा में जाने के लिए सबसे पहले पहुंचना पड़ता है बेस कैंप, जो कि है भद्रवाह शहर। तो भद्रवाह से इस कैलाश कुंड तक पहुंचने के दो तरीके हैं, दो या तीन तरीके हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल रास्ता है, जो श्री वासुकी नाग जी ने बहुत हजारों साल पहले अपनाया था कैलाश कुंड तक पहुंचने के लिए, वो एक बहुत कथा है। और एक दूसरा रास्ता है जो थोड़ी सी सड़क के साथ साथ होते हुए छत्रगला टॉप तक पहुंचता है। तो भद्रवाह पहुंचते ही एक रोड जाती है, सुंगली रोड या पनेजा रोड, उस पर निकलना होता है। उस पर निकलते ही एक हनुमान मंदिर पड़ता है। हनुमान मंदिर से एक रास्ता जाता है छत्रगला साइड और एक जाता है चंबा साइड। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है भद्रवाह चंबा रोड जो कि हिमाचल से कनेक्ट होता है, और एक रोड आता है अपना बनी बसोली वाली साइड जो कठुआ पंजाब से कनेक्ट होता है। तो लोग इस रास्ते से भी डायरेक्टली भद्रवाह तक आ सकते हैं। इस रास्ते से होते हुए इसमें बहुत ही सारी खूबसूरती नज़र आती है। तो ये कम से कम 15-16 किलोमीटर का ट्रैक होगा गाड़ी से। तो हम पहुंच जाते हैं छत्रगला पास पे। छत्रगला पास बहुत ही टॉप है। इससे एक साइड रोड जाती है बनी बसोली कठुआ पंजाब के लिए। तो हमको रुकना पड़ता है छत्रगला पास पे। तो गाड़ी से उतर के यहाँ पे, अगर हमको जाना है कैलाश कुंड, तो यहाँ पे यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता है, पगडंडी बनी हुई है यात्रा की। हमको इस पगडंडी पे चल के पैदल बाई फुट, या यहाँ से हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1,000-1,500 रुपया लेते हैं। तो बस ऐसे इस ये जो रिज बनी हुई है, जो मैं आपको गूगल मैप से दिखा रहा हूँ, इसको क्रॉस करते करते बहुत सारे सीनिक व्यूज़ है। रास्ते में बर्फ़ वगैरह भी आती है, तो थोड़ी सी चढ़ाई भी है, थोड़ी उतराई भी है। तो आस्ता 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 3.5-4 घंटे का ये सफ़र रहता है नॉर्मल लोगों के लिए जो चल सकते हैं। तो पहुंच जाते हैं कैलाश कुंड के पास। तो एक ये रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है ट्रेडिशनल जो कि पूरा बाई फुट है, वो थोड़ा सा लंबा है। तो इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये देखिए, ये मेरे घर से व्यू लिया हुआ है मैंने। इसमें देखिए, एक मैंने एक टाइम लैप्स कैप्चर किया था कैलाश कुंड पे जाने से पहले, किस तरह से बादल उमड़ उमड़ के कैलाश पर्वत पे छा रहे हैं। तो अभी इसमें आपको नज़र आएंगी 3 पीक्स और छत्रगला नज़र आएगा, और आपको नज़र आएगी सन्नी बाइंग ग्लेशियर। दोस्तों, जो आपको सामने 3 पीक्स नज़र आ रही हैं, ये कैलाश पर्वत है। इसको भद्रवाही में कमलास भी कहते हैं। हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो हमने यात्रा स्टार्ट की, अपने लगेज वगैरह बांध लिया अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो यात्रा स्टार्ट की हमने सबसे पहले सेरी बाज़ार से। ये है भद्रवाह का हिस्टोरिकल सेरी बाज़ार। यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग बहुत ही गर्व के साथ उड़ रहा है। सीरी बाज़ार से छत्रकला पहुंचने के लिए आप प्राइवेट गाड़ी भी हायर कर सकते हैं। नॉर्मल इसका जो भी किराया रहता है 200-300 रुपया रहता है। जिस सीज़न अगर आप मेटाडोर में जा रहे हो, तो मेटाडोर वाले ने हमसे चार्ज किए थे 100 रुपया। तो हम पहुंच गए हैं अभी छत्रकला टॉप पे। बस इस टॉप से एक साइड हमको नज़र आएगा ये वाला एरिया जो है, ये अपना भद्रवाह नज़र आ रहा है। देखिए आप कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से।
बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा यहाँ से देखने के लिए। ये वाली साइड पूरी भद्रवाह पड़ती है अपनी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे, और यहाँ पे हवा बहुत चलती है क्योंकि एक नैरो सा पास है, तो पूरी जो रिज बनी हुई नैरो, तो हवा यहीं से पास होती है। तो जो ये थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है आपको, यहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करनी है। यहाँ पे यात्रियों की एंट्री भी होती है, ये जो रास्ता है ये गया सरथल के लिए, सरथल से आगे जाना जाता है ये बनी के लिए, बनी से आगे बसोली, फिर कठुआ, फिर पंजाब के लिए। इस पॉइंट पे एक आर्मी की चेक पोस्ट भी है जो हमेशा यहाँ पे रहती है। इस रास्ते से जाते हुए बहुत सारी किस्मों की जड़ी बूटियाँ व फूल नज़र आते हैं जिनसे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इस खूबसूरत सी जगह पे हमने चाय पी, यहाँ पे चाय का लंगर लगा हुआ था, चाय, पानी, बिस्कुट, रस, आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं। जागर भनते लगे
चलन डैनीना जागर भनते लगे चलन डैनीना तितो खेर वास किनागे शिरकंट जानी ना तितो खेर वास किनागे शिरकंट जानी ना शिरकंट जानी ना सभी हेर मैनू ईशो बोलो सीधो साधो ना सभी हेर मैनू ईशो बोलो सीधो साधो ना ठहरी ठहरी वास किनागा आए तेरो वासो ना ठहरी ठहरी वास किनागा आए तेरो वासो ना वासु किनाग इशे कुछ और आगे चलने के बाद हम जा पहुँचे छतरी टॉप पे। छतरी टॉप पे समिति द्वारा लंगर का आयोजन किया गया था। यहाँ पे आपको दाल चावल चाय बिस्कुट रस आपने जो भी खाना होता है पानी वगैरह आप यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और प्यारी लोकेशन है। एक साइड पर्वत और एक साइड गहरी खाई और बीच में एक पगडंडी है जिसपे बहुत संभल के चलना होता है, इसलिए बहुत ही आराम के साथ चलें और जो सीनरी है उसको एंजॉय करते हुए आराम आराम से चलें। रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे आपको एक साइड अपनी लेफ्ट साइड जाते हुए। ये ऊपर पहाड़ी वाली साइड तो बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और एक साइड बहुत ही ज़्यादा स्टीप रास्ता है, स्टीप खाई है ये, तो आराम आराम से चलें बस। भद्रवाह कस्बे में बहुत ही ज़्यादा धूप खिली हुई है और यहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। यही तो मज़ा है इस रास्ते का।
अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं इन नालों का, क्योंकि ये टॉप से आ रहा होता है, इसमें कुछ भी गंदगी नहीं होता है। ये स्प्रिंग वाटर है, एकदम नेचुरल और मीठा पानी है, बहुत ही टेस्टी पानी होता है ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इस जगह से थोड़ी सी चढ़ाई है और थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसको क्रॉस करना, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ चुकी होती है, जिसकी वजह से सिर में हल्की हल्की सी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जितना स्लो चलें और रुक रुक के चलें उतना ही बेहतर रहता है। इस जगह से एक रास्ता जाता है ऋषि डल के लिए और एक रास्ता जाता है ऊपर कमलास डल के लिए, जो वासुकी नाग जी की झील है उसके लिए जाता है एक रास्ता। और एक ये जो नीचे तीन झीलें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं ऋषि डल। एक रास्ता इस पॉइंट से इनके लिए जाता है।
कैलाश झील के ये प्रथम दर्शन है और इसको देख के ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मान लो आत्मा को शांति मिल जाती है। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बीच में बहुत तेज़ की बारिश भी हो रही है, इसलिए अपनी छतरी ज़रूर आप साथ रखें या कोई ऐसी चीज़ लाएं जिससे आप भीग ना सकें, कोई जैकेट्स वगैरह या कोई तरपाल वगैरह, शील्ड वगैरह कोई। रास्ते में बहुत जगह आपको बर्फ़ पर से चलना होगा और जहाँ भी बर्फ़ होगी बहुत ही आस्ता आस्ता चलें, पाँव बहुत ही फंसा फंसा के चलें बर्फ़ के अंदर, क्योंकि अगर पाँव स्लिप हो गया तो फिर बचना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल रहेगा, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गहरी खाई है यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं झील के ऊपर या वासुकी नाग जी का जो कुंड है उसके ऊपर, और यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए हमने सबसे पहले अपना टेंट फिक्स किया। टेंट हमारा 5-6 मिनट के अंदर ही रेडी हो चुका था और हमने अपना सारा सामान टेंट के अंदर डाल दिया। इस जगह पे जो झील है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और हम सोच रहे थे कि हम इसमें नहाएंगे कैसे, लेकिन एक बार जब हमने हिम्मत करके इसमें नहा लिया, पानी इतना ठंडा था यहाँ पे कि पूछो मत, मगर एक बार जब हमने इसमें नहा लिया तो एकदम से वो सारी हमारी थकान जो थी गायब हो गई और साथ में जो हमको हल्की हल्की सी हेडेक हो रही थी वो भी गायब हो गई। इस झील में नहाने के बाद हमने मंदिर में पूजा अर्चना की, वासुकी नाग भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने भजन कीर्तन वगैरह करने लग गए। तेरे द्वारे जी हर साल बाबा तेरे द्वारे जी हर साल बाबा पूरी कहरा तू मनेरी मुराद बाबा पूरी कहरा तू मनेरी मुराद बाबा तेरे द्वारे तेरे द्वारे जी हर साल बाबा
लगो शोने ते लगी मैं उदासी बाबा लगो शोने ते लगी मैं उदासी बाबा लगो शोने ते लगी मैं उदासी बाबा शारू घरवार करो बनवासी बाबा शारू घरवार करो बनवासी बाबा पूरी केरा तू मनेरी मुराद बाबा पूरी केरा तू मनेरी मुराद बाबा तेरे द्वारे अजी हर साल बाबा तेरे द्वारे अजी हर साल बाबा। शाम का काफी टाइम हो चुका था लेकिन यात्री आ रहे थे। जो आए हुए थे वो स्नान करके पूजा पाठ करके वासुकी नाग भगवान के दर्शन करके वापस जा रहे थे। कुछ यात्री नंगे पांव आए थे, कुछ यात्री वासुकी कुंड की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ अपने साथ जो टेंट वगैरह लाए थे वो फिक्स कर रहे थे, कुछ मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य था वासुकी कुंड जी के ऊपर। ये जो रास्ता है ये ट्रेडिशनल रूट है, जो रास्ता श्री वासुकी नाग भगवान ने अपनाया था या जिस रास्ते से यात्रा आती है ये वही रूट है। इस पे हम कल जाएंगे वापसी पे। यहाँ पे आपको चाय और कहवा गर्मा गर्म पीने को मिलेगा। आप जितना पिए मगर वेस्ट ना कीजिए, बस यही आपसे प्रार्थना रहेगी। ये मेन लंगर है, यहाँ पे आपको चावल दाल सब्जी बहुत सारी वैरायटी खाने को मिलेगी। ये सामने वासुकी नाग जी का मंदिर है, इसमें इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। इसका वीडियो मैं कल शूट करूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।
ये हमारी यात्रा का पहला दिन था जो हमने छत्रकला से कैलाश झील तक तय किया। कल एक और वीडियो बनाऊंगा जो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड कर दूंगा। ये रात को नज़ारे हैं कैलाश झील के। हम तो रात भर वासुकीनाग भगवान के भजन गाते रहे और सुनते रहे, बहुत ही मज़ा आया। जय वासुकीनाग भगवान की जय।